कहते हैं कि कामयाबी की राह में धूप बड़ी काम आई, कामयाबी की राह में धूप बड़ी काम आई, छांव अगर होती तो कहीं सो रहे होते। कपड़ों की डिजाइनें बनाने में, सल देने में, उसमें मुझे एक विशेष आनंद आता है, क्योंकि उसमें जिंदगी में लहर होती है और जिंदगी को मैं लहरदार बनाना चाहता हूँ। मैं ऑयल पेंटिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने कॉलेज में बहुत ऑयल पेंटिंग बनाई है और रियलिस्टिक रेम्ब्रांड वगैरह का इनके पेंटिंग्स को मेरे को बहुत इंस्पायर करती है रियलिस्टिक पेंटिंग। जब भी कोई कला की शुरुआत होती है वो फोक आर्ट से शुरुआत होती है, क्योंकि वो जितना नॉलेज होती है अपने मन से, अपनी कल्पना से, जो भी आदमी उकेरता है तो वो उसकी एक अपना खुद का एक नेचुरल आर्ट होता है। हमारे घर में जब हम लोग रहते थे, मैं और हमारे भाई साहब साथ साथ रहते थे, तब लाइट नहीं थी उसमें, तो लालटेन और लैंप के नीचे जो है पेंटिंग बनाया करते थे। मेरे दादाजी आरइस का काम करते थे हवेलियों में। बचपन में उनसे इंस्पायर हुआ, फिर मेरे फादर पिताजी शो के रूप में पेंटिंग किया करते थे, वो जीन्स भी मेरे ब्लड में आए हैं। और आने वाले टाइम में हमारी पेंटिंग है वही पुरानी हो जाएंगी। कला को मैं अपनी जान से भी ज़्यादा समझता हूँ आज के तारीख में। जब हम बचपन में गलियों में खेला करते थे, तब ब्यावर के अंदर जो लोकल कलाकार होते थे उनको मैंने भित्ति चित्रण करते हुए देखा था, तो मेरे अंदर जो काम करने की जो प्रेरणा जगी थी वो वहीं से शुरू हुई थी। वेदों पर मैंने चित्र बनाए तो मुझे लोग वैदिक चित्रकार कहने लगे, और वेदों में जो सब्जेक्ट हैं, जो यंत्र हैं, जो उनमें पंचदेवों का वर्णन है, उनको मैंने बनाना शुरू किया। दोबारा अगर मैं यहाँ से दुनिया से अगर जाऊँगा अभी तो वापस आऊँगा तो मैं चित्रकारी बनना चाहता हूँ। क्या चित्रकारी में जो मान सम्मान है, आज एक नाम कहते हैं ना कि कौन है कि संपत चित्रकार, तो अच्छा लगता है। बन्नू जी ने शुरू में जब काम चालू किया तो फिल्मी पोस्टर्स भी काफ़ी बनाए, और धीरे धीरे उन्होंने इस काम में इतनी महारत हासिल की रेस्टोरेशन में कि एक समय पर बन्नू जी के अलावा इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं था जो मिनिएचर्स को रेस्टोर कर रहा होगा। और कला जो है वो एक यूँ समझिए गॉड गिफ्ट ही होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है। कलाकार सभी होते हैं, सभी में कुछ ना कुछ कला होती है। देखिए, मिनिएचर आर्ट को वापस यूनिवर्सिटी या कलाओं को जोड़ना जाना चाहिए और पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये कला है, न कि क्राफ्ट है। ये एक टेक्निक है और इस पर काफ़ी माध्यम ऐसे हैं और काफ़ी वैरायटी ऐसी है जो भारत की पहचान बन सकती है।